चंडीगढ़ से है। कोरोना पर सीएम मनोहर लाल ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला भी बैठक में मौजूद हैं। मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर ये जो है मीटिंग बुलाई गई है। कोरोना पर सीएम मनोहर लाल ने जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि कल से जो है पूरे प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठक में मौजूद है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला भी इस मीटिंग में मौजूद है। और एक कोरोना को लेकर जो है बड़ी बैठक की जा रही है चंडीगढ़ से। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कोरोना पर सीएम मनोहर लाल ने सर्वदलीय जो है एक बैठक बुलाई है। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जाएगी। इससे पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश की जनता को संबोधित किया था और बताया था कि कल से जो है पूरे प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला भी बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। यानी जो सरकार जो कड़े कदम उठाना चाहती है, जो सरकार प्रदेशवासियों को कोरोना वायरस से राहत दिलाने के लिए जो भी कुछ करना चाहती है वो कर रही है, तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है बैठक की जा रही है। क्या कुछ बैठक से निकल के सामने आता है वो देखने वाली अब बात होगी। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला भी मौजूद हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। मुख्य सचिव और कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बैठक हो रही है किसको लेकर बैठक है और क्या कुछ बैठक से निकलकर सामने आ सकता है? अब देखिए, आप जानते हैं कि इस समय ये बड़ी आपदा की घड़ी है और इस महामारी जो COVID-19 है इसके प्रसार को लेकर जो है महामारी घोषित कर दिया गया है। और हाल ही में आपने सुना कि मुख्यमंत्री ने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वे जो है जो अन्य दलों के नेताओं से भी बात कर रहे हैं। INLD के नेता जो अभय चौटाला हैं और विपक्ष के सदन में जो नेता हैं अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे बातचीत हो रही है। उनको जो सरकार, क्योंकि आप जानते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो सरकार क्या कदम ले रही है वो बताए जाएंगे। और इसके साथ ही उनसे कोई राय, उनकी कोई सजेशन है तो वो सजेशन भी उनके लिए जाएंगे कि इस सब से निपटने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब जो व्यवस्था है लोगों की सहमति के साथ और जो इस व्यवस्था को लेकर काम किया जा रहा है, और उनसे इस बातचीत में उन्हें शामिल किया जा रहा है इन फैसलों में। जी राकेश, तो अभी कुछ देर पहले भी मुख्यमंत्री जो है लोगों से रूबरू हुए और उन्होंने उनको बताया कि क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से कल से लॉकडाउन की अपील की है उसके बाद बैठक करने जा रहे हैं, यानी सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है इस मुद्दे को लेकर। अब बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन की अपील नहीं, लॉकडाउन का फैसला जो है सरकार ने ले लिया है और ऐसे में लोगों को इसका मानना ही होगा लॉकडाउन का, क्योंकि लॉकडाउन की अगर नहीं माने जाएगी, लोग नहीं मानेंगे तो IPC की धारा जो 188 है उसके तहत कार्रवाई होगी। और जिस तरह से तैयारियां, क्योंकि इस COVID-19 का जो संकट है इसे हल करने के लिए जो है सबको मिलकर साथ चलना है, सामूहिक कदम उठाने हैं और इसमें लोगों की जो है जो सहयोग है वो बहुत ज्यादा वांछित है, क्योंकि कम्युनिटी डिस्टेंसिंग की जो बात है वो इस मामले में ज्यादा प्रभावित है। जी चलिए राकेश गुप्ता, आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर आगे इस मामले पर अपडेट लेंगे। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम और दुष्यंत चौटाला भी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद है। मुख्यमंत्री जो है एक सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं।